एक बार की बात है, एक गांव में एक चोर और एक ईमानदार आदमी रहते थे। चोर नामक रियासती का था। वो घरों को चोरी करके उनकी दौलत चराता था। उसकी बराक्स ईमानदार आदमी का नाम सलमान था। वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीता था। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैल गई कि शहर के करीबी बैनक में चोरी हो गई है और बहुत सारा सोना चोरी हुआ है। गांव वाले घबरा गए और वो सब साथ मिलकर उस मामले को हल करने के लिए सोचने लगे। नामक रियासती, हाँ, अब की बार गांव के लोग मुझसे कैसे बच पाएंगे? मैं उनकी दौलत चरा लूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सके। सलमान, जो कि गांव का ईमानदार आदमी था, ने फैसला किया कि वो उस मामले का हल करे। वो अपने दोस्तों को साथ लेकर शहर के बीनक में गई। वहां पहुंचकर सलमान ने इंतहाई मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया। उन्होंने सारी तफसीलात जमा की और शहर की पुलिस को बताया कि चोरी किसने की है। पुलिस ने उनकी मदद की और चोर को पकड़ा। वो जब पुलिस के पास ले गई तो ये बात सामने आई कि वही चोर नामक रियासती है, जो कि गांव का ही था। सलमान ने इस गिरफ्तारी को देखकर दिल को सुकून मिला और गांव वालों की महफूजी का यकीन किया। कहना है वो एक ईमानदार इंसान की हैसियत से गांव में लोगों के दिलों में छा गया। चोर नामक रियासती को पुलिस के पास ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी चोरी का एतराफ किया और मुआफी मांगी। पुलिस ने उसी सजा दी और उसको रियासती नामक के नाम से याद किया। गांव वाली सलमान की जद्दोजहद को सराहने लगी और उसको शहरत देने लगी कि वो एक सच्ची और ईमानदार इंसान है। उनकी मेहनत और जद्दोजहद ने गांव में एक नया रोशनी का दौरा डाल दिया और हर किसी के दिलों में ईमान और उम्मीद की शाला भर दिया।